सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर आया हूँ एक नई जगह पे, और जगह भी ऐसी, आप जलंधर में आओगे ना, आप किसी से नाम पूछ लो, ये जगह का नाम है सुपर क्रीमिका फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, मतलब वेल नोन प्लेस जलंधर में। और ये है नेहरू गार्डन चौक, नेहरू गार्डन चौक भी आप किसी से पूछ सकते हो। तो यहाँ का बफे भी मुझे रिपोर्ट मिली है कि बहुत टेस्टी होता है, तो आज करेंगे टेस्ट इसका और आपके साथ भी वीडियो शेयर करता हूँ। चलिए देखते हैं, अंदर चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और देख रहे हो जगह कितनी है इनके पास। बाहर काफ़ी सेटिंग बहुत बढ़िया, और मैं देख रहा हूँ कि एम्बियंस भी बहुत ज़बरदस्त यार, एसीज पूरे चल रहे हैं, गर्मी का कोई मतलब नहीं है, और साफ़ सफाई पूरी। चलिए चलते हैं आगे। करते हैं जी फूड, इनका टेस्ट, प्लेट्स मैंने ले ली है, प्लेट्स मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, बोन चाइना की आपको प्रॉपर क्रॉकरी दी जा रही है। बहुत सारे बफेज मैंने देखे हैं जहाँ पे जो प्लास्टिक वाली थाली वगैरह होती है ना वो प्रोवाइड की जाती है, बट यहाँ पे आपको ये सूप, इट इज़ लुकिंग गुड। और ये शुरू होता है जी सूप से, सबसे पहले है मांचो सूप, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये मैं डाल लेता हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे ये है जी चाइनीज़, ऑब्वियसली नूडल्स एंड मंचूरियन वगैरह, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ आज। और उसके बाद ये है जी सैलड में, अच्छा सैलड में ये पिकल सबसे पहले आ गया जी आपको, उसके बाद अनियन वगैरह, सिरका, प्याज वगैरह, मतलब आप लेना चाहो लो। और ये है जी नीचे ये चाट वगैरह लग रही है जैसे ना, पटाटो वगैरह जी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ मैं टेस्ट करने के लिए। सैलड है, आप सैलड ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और ये आगे जी उसके बाद पंजाबी पुलाव, क्या बात है जी, लुकिंग सो डिलीशियस, ये तो थोड़ा सा बनते ही हैं, इसको भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। और आगे जी अपनी फेवरेट दाल मखनी, दाल मखनी बफे में आप आए हो, पंजाब में हो और दाल मखनी ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या बात है जी। ये भी ले लीजिए मैंने थोड़ी सी, अच्छा उसके बाद आगे जी कर्ड, क्या बात है, ये है जी इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स किया हुआ है क्यूकम्बर एंड, मतलब ज़बरदस्त है। और ऊपर जीरा भी प्रोवाइडेड है, अगर कोई जीरा डालना चाहे तो डाल सकता है। उसके बाद आ गया जी येलो दाल, येलो दाल आप लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद आ गया जी चीज़, तो ये आपकी मर्ज़ी है भाई साहब, आपके लिए ओपन है सब कुछ, जो लेना चाहो ले लो। और वो ये भी बनता है जी, मिल रहा है ऑप्शन में तो ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा जी उसके बाद दम आलू, ये तो मेरी प्लेट अब फुल हो गई है, गोभी थोड़ी सी टेस्ट कर लें, दम आलू के बाद आलू गोभी, ओ वाह। तो ये हो गया जी अपना सारा कुछ रेडी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं स्वीट डिश वगैरह है साथ में, ये जेलीज वगैरह मेरे को नज़र आ रही है, ये कुछ ब्रेड पीसीस वगैरह, और ये है जी साथ में गुलाब जामुन और पेस्ट्री वगैरह। तो बहुत बढ़िया, मतलब सच में बढ़िया यार, सच में बढ़िया, मतलब ये इस टाइप की प्रेजेंटेशन क्रॉकरी आप नीचे देख लो एक बार सारी, आपको नीचे यहाँ से आप उठा के अपना सर्व कर सकते हो। सो ऑल टुगेदर अभी तक के लिए फूड की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ गुड। अब आती है टर्न टेस्ट करने की, तो चलिए टेस्ट करते हैं जी, आइए। सो लेट मी हैव सीट, बैठिए सर। सूप मैंने पहले से मंगवा लिया था मेरे टेबल के ऊपर, और ये आगे जी मेरे लिए मैंने उनको बोला कि मेरे टेबल पे रख दो, और उन्होंने काफ़ी सारी डाल के रख दी टेबल पे। सो ऑल टुगेदर मैं फटाफट से आपको थोड़ी थोड़ी आइटम्स टेस्ट करके बता दूंगा कि टेस्ट कैसा है, मतलब कि नो डाउट प्रेजेंटेशन इज़ गुड, क्रॉकरी इज़ गुड, एम्बियंस इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, मेरे को खाने में मज़ा आ रहा है, एसीज चल रहे हैं, और क्या चाहिए। बस ये है कि टेस्ट करके अब देख लेता हूँ कि फूड कैसा है, कि वाकई में कि दिल को छूता है जी फूड। पहले सूप से खाता हूँ, गुड नाइस। तो स्टार्टर्स वगैरह मैंने लिए नहीं है, आपकी मर्जी है आप ले सकते हो। तो ब्रेड्स में ये हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस, जैसे मिस्सी रोटी है, और मैं देख रहा हूँ बटर नान है, प्लस है ना लच्छा परांठा वगैरह है, तो मतलब काफ़ी सारी ऑप्शंस है। इसके अलावा भी दो तीन ऑप्शंस है,
तो मतलब ऑल टुगेदर आई कैन से इट इज़ गुड। और आप देख रहे हो स्वीट डिश वगैरह में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो जल्दी जल्दी से करते हैं जी टेस्ट, ताकि फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएं कि हाउ इज़ माय एक्सपीरियंस हियर, बढ़िया है या कैसा एक्सपीरियंस है ना। बाकी फूड देख कर तो आपको पता चल ही गया होगा कि इट इज़ रियली गुड। चलिए जी पहले करते हैं दाल और चावल टेस्ट। दाल इज नाइस, गुड है भाई साहब, आपको यहीं से पता चल जाता है। और ये करते हैं चीज़ टेस्ट, चीज़ कैसा है जी इनका, चीज़ कैसा है। परफेक्ट यार, सच में अगर पैसे ले रहे हैं ना तो फूड में नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़। और ये आगे जी गोभी थोड़ी सी कर लें इसको भी टेस्ट, वाह मज़ेदार। आई कैन से यू ट्रूली, आई कैन से यू कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यू विल फील गुड, जो मुझे लगता है। और मिस्सी रोटी हाथ करते हैं टेस्ट, इसको कर लेते हैं जी दाल के साथ ही और देते हैं वीडियो को फाइनल टच। गुड, सो आई कैन से ऑल टुगेदर ऑल फूड इज़ गुड, मज़ा आ गया मेरे को सच में। और मुझे लग रहा है कि वाकई मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है यार, क्यों एम्बियंस बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया मेरे को यहाँ पे खा के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और फूड की क्वालिटी आई कैन से इट इज़ परफेक्ट फ्रॉम माई साइड, गुड। तो मैं करता हूँ जी फूड को फिनिश, वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और फिर मिलता हूँ आपको किसी नए फूड प्लेस पर, नई जगह पर, नई वीडियो पर। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।